बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शगुफ्ता एंड मोस्ट वेलकम माय चैनल। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वॉल क्लॉक मेकिंग ऑन एडोब इलस्ट्रेटर। तो एडोब इलस्ट्रेटर पर वॉल क्लॉक बनाने के लिए आप यहाँ से इलिप्स टूल लेंगे। ये देखिए, मैंने इलिप्स टूल लिया यहाँ से, देन ड्रॉ करेंगे शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से ड्रॉ करेंगे तो और एक्यूरेसी से ड्रॉ होगा ये, ठीक है जी। अब हम गाइडलाइंस ऑन करेंगे, कंट्रोल आर मतलब रूलर ऑन किया और ये यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और लेफ्ट साइड से गाइडलाइंस लेकर आएंगे। ये देखिए, रूलर ऑन किया, लेफ़्ट साइड से गाइडलाइन लेके आया और इस सर्कल के सेंटर में रख देंगे और सर्कल को सिलेक्ट किया। कोशिश करें तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लें, क्योंकि सेंटर पॉइंट आ जाएगा उससे। अब यहाँ से ऊपर से हम लेके आएंगे गाइडलाइंस, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो भी सर्कल के सेंटर में रख देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से हम एलिप्स टूल लेंगे और एलिप्स टूल लेकर ड्रॉ करेंगे ऐसा कि इसका सेंटर पॉइंट इस गाइडलाइन के सेंटर में आ रहा हो। और अब हम इसमें कलर दे देंगे, एज यू विश यू कैन अप्लाई एनी कलर। अच्छा, अब देखिए यहाँ एक टूल आ रहा है, रोटेट टूल। आई वुड लाइक टू राउंड दिस सर्कल, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, ये रोटेट टूल, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैंने ये रोटेट टूल लिया, कंट्रोल ज़ीरो, अच्छा जी, इसकी जूम छोटी की। मैंने रोटेट टूल लिया है, देखिए यहाँ से मैंने, और रोटेट टूल लेकर मैं ये जो सेंटर है इस क्लॉक का, इस सेंटर में ऑल्ट और माउस लेफ़्ट क्लिक से एक बार क्लिक करूँगी। दोबारा करते हैं, देखिए सिलेक्ट आप, लेकिन ये सिलेक्शन टूल से ऊपर वाला सर्कल सिलेक्ट होना चाहिए जो स्मॉल वाला है। यहाँ से रोटेट टूल लेंगे और रोटेट टूल लेकर हम सेंटर में क्लिक करेंगे ऑल्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से, तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब इस पर हम करेंगे 360 डिवाइड 12, और 360 डिवाइड 12 करने के बाद आप यहाँ कॉपी क्लिक कर देंगे। इसकी जूम छोटी करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, कॉपी क्लिक करके ओके कर दिया, अब इसको कंट्रोल डी कर देंगे। अब मुझे इस वॉल क्लॉक की मतलब कि निडल्स बनानी है। सो व्हाट आई विल डू, क्या करेंगे हम इसकी निडल्स बनाने के लिए, जो थिन निडल्स होती हैं, एक रेक्टेंगल टूल लेकर थोड़ा सा जूम इसका बड़ा करते हैं और रेक्टेंगल टूल लेकर इसके सेंटर में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कलर दे देते हैं इसमें कोई सा भी, ये कलर देंगे तो ब्लैक पे ब्लैक अभी फील नहीं हो रहा, कोई कलर देंगे तो फील होगा, ठीक है जी। अभी देखिए इस पे सिलेक्शन है इसका सेंटर और इस सर्कल का सेंटर एक ही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये टूल आ रहा है रोटेट टूल, रोटेट टूल लेकर दोबारा से हम ऑल्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से ये जो वॉल क्लॉक का सेंटर है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम करेंगे 360 डिवाइड 60 और कॉपी और कंट्रोल डी। ठीक है जी, तो ये वॉल क्लॉक का हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हम मज़ीद पे जो वर्किंग है वो कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये सर्कल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, या बाद में आप वो करें, इसकी हम अभी
जो टाइम निडल्स होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, वो बना रहे हैं। तो देखिए, एक टूल आ रहा है यहाँ, पॉलीगॉन टूल। यहाँ से मैंने पॉलीगॉन टूल लिया और पॉलीगॉन टूल लेकर ये साइड्स क्लिक करेंगे हम। पॉलीगॉन टूल अगर क्लिक करो तो इसकी साइड्स ऑन हो जाती हैं। इसकी साइड्स 3 लेंगे हम। ओके कर देंगे और कलर चेंज कर दें, चेंज करना है तो। इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करें और थोड़ा सा इसको हम पतला कर देंगे, और लंबाई में, मतलब कि अगर आपने लंबाई सही नहीं ली है तो इसको ड्रैग करें। ये रख दिया हमने। अब इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यानी इसकी कॉपी इसी के ही ऊपर, और इसको रोटेट कर देते हैं। पता है कंट्रोल सी कॉपी है और कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट है। ठीक है जी, अब हम यहाँ से पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं और इसकी साइड्स 5 या क्लिक करेंगे पेज पे तो साइड्स आ जाएंगी। इसकी साइड्स हम 5 या 7 ले लेते हैं। ओके किया, और अब हम इसमें कलर दे देते हैं। और इसको उठा के यहाँ इसके सेंटर में रख देते हैं जनाब, इस तरह से। थोड़ा सा साइज इसका शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से छोटा कर लेते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म टूल ले लें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। अच्छा जी, अब हम जो टैक्स लिखना है टैक्स लिख सकते हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये है। टाइप टूल लिया मैंने, आपको पता है टाइप टूल टैक्स लिखने के लिए होता है, और टाइप में गई मैंने, साइज इसका थोड़ा बढ़ा लिया, वो लिखा। अच्छा, इसमें अगर हमें स्टाइल देना है तो स्टाइल दे सकते हैं। विंडो में जाके, आपको पता है ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी में टाइप इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये टेक्स्ट के भी इफेक्ट्स होते हैं, और आप इसे ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो इफेक्ट इस पे सूट करे। ठीक है जी, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, छोटा है साइज। और ये वॉच जो है इसमें भी वाइट कलर चले, अच्छा पहले से ही है इसमें वाइट कलर। अच्छा, इसका स्टाइल दूसरा दे देंगे, कुछ जच नहीं रहा वैसे इसके ऊपर।
ये टाइप टूल लिया मैंने और टैक्स लिखा साइज से उठा करके स्लोगन लगाना है। अच्छा जी, अब अगर हमें इसमें कोई स्टाइल देना है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और विंडो में ब्रशेस आ रहे हैं, ये बने बनाए ब्रशेस होते हैं, देखिए मैं जूम करके ऑप्शन दिखाती हूँ, बने बनाए ब्रशेस होते हैं स्ट्रोक के तौर पे अप्लाई होते हैं। अब ये देखें कितने सारे आ रहे हैं, मैंने इसमें डेकोरेटिव में जाके देखती हूँ, सारे ऊपर से नीचे तक ब्रश के स्टाइल हैं। थोड़ा सा जूम छोटा करते हैं इसका, ये देखिए आपको जो सही लग रहा हो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसा स्टाइल आपको सही लग रहा हो आप वैसा ले सकते हैं। जो आपको सही लग रहा हो चलिए, ये स्टाइल ले लिया मैंने। अब एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। कलर दे दें इसमें, राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैक। अब इसके भी इस पे ब्रशेस में कोई स्टाइल देना है आप दे सकते हैं। ठीक है जी, देखिए मैंने ये वाला दे दिया, आप कोई सा भी दे दें, ये देखें। ये देखें सिलेक्ट हुआ, आप कोई सा भी दे सकते हैं। तो जैसा भी स्टाइल आपको देना। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।